बिहार सरकार ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसकी पूरे देश को उम्मीद नहीं थी। बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बिहार जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27%, सबसे ज्यादा 14.26 यादव हैं, ब्राह्मण 3.65 हैं, राजपूत यानी ठाकुर 3.45, सबसे कम संख्या 0.60% कायस्थों की है। बिहार की आबादी में सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है, इनका नौकरियों में आरक्षण 18%, जबकि 27% ओबीसी के लिए 12% आरक्षण दिया जा रहा है। मौजूदा समय में बिहार में ईबीसी और ओबीसी को लेकर 30% का रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है। इसमें 18 ईबीसी और 12 ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, जबकि जातीय जनगणना के आधार पर ये संख्या तकरीबन 63% हो गई है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ही ये लिस्ट क्यों निकाली गई, आखिर जनगणना की ये जानकारी 2 अक्टूबर को ही क्यों दी गई। इसके पीछे भी एक बड़ा महत्व, वो महत्व और उसके पीछे की मंशा को मनोज झा ने स्पष्ट किया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा है 2 अक्टूबर को इस रिपोर्ट के आने को लेकर, सुन लीजिए। I mean the data speaks for itself. It's a historic moment. And I'm very happy that this is 2nd October. I'm very happy that this is 2nd October. Social justice is at a churning phase now. You look at the result. The results tell you that 85% of the people belong to marginalized community. Aur yahan se ab sarkar ki us hisab se जो आपने सवाल पूछा, आज ये ऐतिहासिक दिन है। अगर आप लोग पहले तय कर लीजिए कैसे बात करेंगे। आज ऐतिहासिक दिन है, आज 2 अक्टूबर है। इस ऐतिहासिक दिन में सामाजिक न्याय की धारा को एक नया बल मिला है। 85% लोग हाशिए के समूह हैं। देश की नीतियां और नियत इससे तय होगी। आज के दिन ये मैं कहूँ ऐतिहासिक क्षण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। इतना ही नहीं, जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जातीय आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जातीय आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जातीय आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधान मंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जातीय आधारित गणना कराएगी, इसीलिए आज इसे जारी कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।